नमस्कार, मैं हूं सोमेश झा और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। आज आपको एक बेहतर खबर देंगे चरखी दादरी के बारे में। बेहतर क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें चरखी दादरी की, तो चरखी दादरी खेल के मामलों में काफ़ी आगे हैं। चरखी दादरी के बच्चे लगातार खेलों में अपना लोहा मनवाते रहे हैं, चाहे बात करें गीता बबीता की, चाहे और दूसरे जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे मनु भाकर है, चाहे और भी है, जिनकी भी बात करें, चरखी दादरी जो क्षेत्र है उससे खिलाड़ी लगातार निकलते रहते हैं अलग अलग खेलों में। लेकिन ज़्यादातर जो खेल हैं या तो एथलीट्स के होते थे, निशानेबाजी है, लेकिन बॉडी बिल्डर का जो एक गेम है, बॉडी बिल्डिंग का जो गेम है, उसमें ज़्यादातर दिखाई नहीं देते थे। लेकिन अब वो जो एक रुकावट जो जहां दिख रही थी कि इस गेम में कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उस रुकावट को भी कहीं ना कहीं अब तोड़ने का काम किया गया है। यहां हमारे साथ में भूपेंद्र भाई हैं, जिन्होंने वर्ल्ड ओपन चैम्पियनशिप बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आप देख पा रहे होंगे गोल्ड मेडल इन्होंने पहना हुआ है, और एक नहीं, दो दो मेडल जीते हैं, एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। दो अलग अलग प्रतियोगिता में काफ़ी बेहतरीन काम किया है चरखी दादरी के। अभी हम नारा क्रॉसफिट जिम में हम यहाँ पर मौजूद, और यहीं से भूपेंद्र भाई के द्वारा ये तैयारी करके ये कमाल कर दिया गया है, और चरखी दादरी का नाम बड़ा ज़बरदस्त रोशन कर दिया गया है। भूपेंद्र भाई अभी हमारे साथ हैं, अगर हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाएं तो आपको हम ट्रॉफियाँ दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि फर्स्ट प्लेस की जो ट्रॉफी है वो आपको किस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रही है, पूरा बॉडी बिल्डिंग और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको उसमें दिखाई दे रही हैं। और सेकंड पोजीशन भी वीर क्लासिक जो है वो इनको मिला है, और इन्हीं से अब कुछ बात इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे किस प्रकार से, क्योंकि चरखी दादरी एक नया ज़िला, एक छोटा सा शहर है, और यहाँ से इस प्रकार के कॉम्पिटिशन में काफ़ी बड़े लेवल पर पहुँचना, वर्ल्ड ओपन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के अंदर फर्स्ट प्राइज लेना, गोल्ड मेडल जीतना बड़ी बात है, क्योंकि इतने छोटे शहर में जो सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, लेकिन अब जब सुविधाएं मिली हैं तब कमाल कर दिया गया है। तो भूपेंद्र भाई, सबसे पहले आपको आपके दोनों मेडल्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने दादरी का नाम रोशन किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू जी। और हमारे सारे दर्शक भी जानना चाहेंगे अब कि ये जो बॉडी है, ये स्टील बॉडी है, ये देख लीजिए, पहले आपको दिखा दें, स्टील बॉडी है भाई की, और ये जो स्टील बॉडी है ये किस प्रकार से बनाई, दादरी में इतनी सुविधाएं मिल पाई नहीं मिल पाई, कैसे आप इस मुकाम तक जो पहुँचे हैं, किस प्रकार से पहुँचे? देखिए, दादरी में को देखते हुए अपने यहाँ सुविधाएँ बिल्कुल इतनी मिल नहीं पाती हैं, लेकिन जहाँ मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपना नारा क्रॉसफिट जिम चरखी दादरी में, मेरे ख्याल से अपने एरिया में सबसे टॉप ही है। मैंने गुड़गांव के जिम भी देखे हैं, उनमें इतना जगह खुली होती नहीं है जी। तो अपने एरिया को देखते हुए बहुत अच्छा जिम है, सारी सुविधाएं हैं, और मेरे को यहाँ पे करीब करीब 1.5 या 2 साल हो गए, बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है जी। बिल्कुल, और जैसे नारा क्रॉसफिट जिम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चाहूँगा कैमरामैन उधर से दिखाना शुरू करें, पीछे से दिखाना शुरू करें, कहाँ पर क्या कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए, सामने आपको ट्रेडमिल्स दिखाई देंगी, उसके अलावा दूसरी तरफ अब यहाँ अगर आप यहाँ पर देखेंगे, दूसरी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं जिम के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इससे आगे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर हैवी वेट के लिए जो भी एक्सरसाइज करने के लिए जो मशीनें वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। और इस पूरे ताम झाम को यहाँ पर इकट्ठा करने वाले रणवीर भाई हैं, इनके द्वारा ये लगातार काफ़ी सालों से चरखी दादरी को ये सुविधाएं दी जा रही हैं। रणवीर भाई, अब तो जिम में वर्ल्ड क्लास के बॉडी बिल्डर्स होने लग गए हैं, अब तो बड़ा खुशी हो रही होगी दिल में। हाँ, बहुत बहुत खुशी है, ये हम इतना आगे, हम अपने ताऊ जी की वजह से, मेरे ताऊ जी हैं चांद पहलवान, जो हम इतनी तरक्की आज उनकी वजह से हमने जो की है जिम में, तो आज उनकी बदौलत हमने इतना अच्छा जिम सेटअप लगाया है, तो अब हमारे यहाँ पे हर फैसिलिटी है जी, अच्छा स्पेस है, और कोशिश करेंगे कि इससे अच्छा और भी इक्विपमेंट, जो न्यू इक्विपमेंट आते हैं वो लेके आएँ, और हमारे यहाँ से हर स्पोर्ट्समैन नेशनल लेवल के तक आगे निकले हैं, और अभी बॉडी बिल्डिंग में भी भूपेंद्र भाई जी ने, ये भाई जी भूपेंद्र कमाल कर दिया, नहीं कमाल कर दिया, और ये भाई हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं जी। बिल्कुल, ये भी हमें पता चला था कि भाई हरियाणा पुलिस में काम कर रहे हैं, और उस बारे में भी ज़रा बात करेंगे। हरियाणा पुलिस के जवान, लंबाई तो आप देख ही रहे हो, लंबे ठाडे, ठीक है, और अब स्टील बॉडी भी है, मतलब आपकी जो सुरक्षा है उसकी पूर्ण गारंटी है भाई।
हरियाणा पुलिस में भी, ऊपर से बॉडी बिल्डिंग, शौक कैसे आया सारी चीज़ों का? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में एक जवान जब लग जाता है, पुलिस में हो जाता है, तो बॉडी बिल्डिंग या इस तरह की चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं रहता, कहाँ से है? देखिए, ये तो मेरे दिमाग में एक बहुत सालों से है कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूँ, अच्छी बॉडी बनाऊँ। बॉडी बिल्डिंग का तो चलो पता नहीं था उस टाइम पे, 2012 की आसपास की बात है। फिजिक अच्छी रखनी, हाँ, हमारे जैसा नहीं होना था भाई को, देखो हमारे जैसा नहीं था। हाँ जी, बॉडी चाहिए। फिर मुझे 2017 में ज्वाइनिंग मिली हरियाणा पुलिस में, मुझे अच्छी पेमेंट मिलने लगी, तो उससे मैं अपना बॉडी पे मतलब खर्च करने लगा। और मेरे उसके बाद मेरे को मिले मेरे कोच, जो अपना मेरे मंजिल को मेरा रास्ता दिखाने के लिए मेरे साथ खड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल, इनके कोच से भी ज़रा बात करते हैं। आशीष भाई, थोड़ा सा आगे आओ आप भी, क्योंकि कोच की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। खिलाड़ी जो भी काम करता है कोच की देखरेख में करता है, तो जाहिर सी बात है खिलाड़ी को ये पता होता है कि किस प्रकार से तैयारी करनी होती है। कई बार हम बिना कोचिंग के चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें आपको ये पता नहीं होता कि कब डाइट लेनी है, किस प्रकार की डाइट लेनी है, कौन सा वेट उठाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कोच का काम होता है ये सारी चीज़ें बताना। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा भाई, एक डिसिप्लिन है, आपकी बातें मानते हैं या बस अपना मन मर्जी आया वो करते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपके न्यूज़ चैनल का, जिसने इस इवेंट को कवर किया, जिससे आम लोगों तक ये चीज़ पहुँच पाए कि दादरी के अंदर भी ऐसी प्रतिभागी होने लगे हैं। दूसरा, मैं आता था यहाँ, मैं काफ़ी टाइम से इस लाइन में हूँ, करीबन 13 साल से पर्सनल ट्रेनिंग कराता हूँ, तो मैं यहाँ आता रणबीर से काफ़ी साल से मेरा टाइप है, मतलब यहाँ पर्सनल ट्रेनिंग मैं ही करा रहा हूँ। तो इसको मैंने देखा काफ़ी डेडिकेशन थी, फिर मैंने रणबीर से भी बात की, मगर रणबीर से थोड़ा बोल लो कि कैसे क्या करना सही, तो रणबीर ने इसको बोला, मेरे बारे में बताया, मेरी अचीवमेंट्स के बारे में बताया, क्योंकि 2010 में इंडिया चैंपियन रह चुका हूं मैं। और ये और भी अच्छी बात है, ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति से ट्रेनिंग लेना जो पहले से उन अचीवमेंट्स को हासिल कर चुका है, बहुत बढ़िया बात है जी। हाँ जी, 2000 में तीनों साल मेरा यूनिवर्सिटी में गोल्ड था, और मिस्टर हरियाणा और मिस्टर नॉर्थ इंडिया भी रह चुका हूँ मैं, मिस्टर इंडिया से पहले। तो इसकी डेडिकेशन को मैंने देखा, और ऊपर से इसको फॉलो करने का तरीका देखा, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जिसको जैसे मैंने बोला, मेरी और भी टीम बच्चे और भी स्टूडेंट खड़े हैं यहाँ पे, सब मेरे सारे बिल्कुल स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिसिप्लिन में सबसे आगे हैं। आप कहीं भी जाएंगे ना, तो किसी टाइप की कोई गलत एक्टिविटी में ये मिलेंगे अब, ना ही कोई नशे से काफ़ी दूर हैं। दूसरा, मैं इनको ऐसे ही गाइड कर रहा हूँ कि फ्यूचर में भी कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें, बॉडी के ऊपर फोकस रखे, कैरियर के बारे में समझाया कि बॉडी बिल्डिंग के अचीवमेंट क्या, आगे चल के क्या फ़ायदा है, इसकी और अचीवमेंट आती है, हरियाणा पुलिस की स्पोर्ट्स टीम में जाएगा, आगे चलते हुए इसे ड्यूटी से रिलीज कर दिया जाएगा, इसे जॉब नहीं करनी पड़ेगी, स्पोर्ट्स ही करना पड़ेगा, उसके और भी बेनिफिट मिलेंगे, प्रमोशन भी मिलेगा। देखो, गेम तो एक ऐसी चीज़ है जो बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, तो काफ़ी डिसिप्लिन में रह करके इन्होंने किया, तो कितना टाइम लग गया इनको इस लेवल तक आपको पहुँचाने में? देखो, इतना मैं बोलूँगा, अभी तक मुझे इतना टाइम नहीं लगा, हमें मैक्सिमम एक साल भी नहीं हुआ पूरा, एक साल से पहले इस लेवल पे आ चुके हैं, और हमारा टारगेट ये है कि नेक्स्ट ईयर तक हम बाहर, इंडिया से बाहर इवेंट में पार्टिसिपेट करें, और अपने हरियाणा और दादरी के लिए मेडल अचीवमेंट करें। जी बिल्कुल, और आपसे भी थोड़ा सा जानता चलेंगा बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ पे आदरणीय भी खड़े हैं, इनसे भी हमने बात करनी है, इनका भी बड़ा योगदान है, क्योंकि जो यहाँ पर ये पूरा का पूरा मॉल खड़ा किया इन्होंने, चांद मॉल जो है, इसमें जाहिर सी बात है इनका बड़ा योगदान है, नहीं तो शायद ऐसे जिम हमें नहीं मिल पाते। तो एक सिंपल सी बात है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसमें काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी आए होंगे, उनको मात देना, और वहाँ पर कभी एक बार भी ऐसा लगा था कि कहीं यार पीछे ना रह जाएं? देखिए, ये मेरा पहला स्टेज इवेंट था, और मैं उससे पहले बहुत नर्वस भी था, लेकिन मुझे हिम्मत मिली मेरे कोच से, मेरे सर ने इतना मेरे को तैयार किया दिमागी तौर पे, कि मतलब मैं स्टेज पर चढ़ने के लिए बिल्कुल फुल पावर के साथ गया था, और मेरा उसमें पहले मैं स्टेज के ऊपर सिल्वर मेडल आया था जी। उससे नेक्स्ट इवेंट फिर एक दिन बाद ही होना था, उसके लिए भी तैयारी फुल थी मेरी, मतलब कहीं ना कहीं वो पावर मिल गई थी सिल्वर मेडल मिलते ही, और अगली बार सीधा गोल्ड पे कब्जा। अगले दिन फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं स्टेज पे था, और उसमें मेरा गोल्ड था जी। बिल्कुल, देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो तो जाहिर सी बात है हम कुछ भी कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोच की मेहनत यहाँ पर दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ जो सारी फैसिलिटीज़ नारा क्रॉसफिट जिम की तरफ से जो रणवीर भाई ने दिलाई हैं, उसके भी यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, और जाहिर सी बात है कि यही चाहिए है किसी भी एक खिलाड़ी को, क्योंकि उस खिलाड़ी को काफ़ी आगे बढ़ना, और अब ये जो सारी फैसिलिटी आराम से एक छत के नीचे जो मिल रही हैं, इसके लिए भी हम ज़रा जान लेते हैं सर। अब तो
दादरी के बच्चे बड़ा बड़ा काम करने लग गए, आप भी पहलवानी में रहे, अब तो बॉडी बिल्डिंग का नया जमाना आ गया। सबसे पहले भूपिंदर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने अच्छा नाम करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, साथ ही अपने न्यूज चैनल वालों को जो कि सभी पब्लिक में सभी जगह के ऊपर अपनी बढ़िया न्यूज पहुँचाने के लिए बहुत धन्यवाद। बच्चे ने इतनी मेहनत की और आज इस लेवल पर पहुँच गए हैं, अब आगे की क्या सोच रहे हैं कि इनको और आगे कहाँ तक पहुँचाएंगे? आगे की सोच रहे हैं कि ऊंचे लेवल तक, अपने ओलंपिक लेवल तक मतलब जाएं, और सभी आशीष को बता रखा है और रणबीर सिंह को, आप पूरा मतलब हर फैसिलिटी का ध्यान रखते हुए, और यहाँ किसी प्रकार का कोई गदर फंड, हर चीज़ की सेफ्टी है और नीचे ध्यान रखता हूँ और ऊपर ये ध्यान रखते हैं ताकि ऊंचे जाकर और अच्छा नाम रोशन कर सकें अपना घर का सभी का। और रणबीर सिंह की चाहत थी कि एक ऐसा जी मतलब तैयार करना है जो कि पूरी फैसिलिटी यहाँ इस जगह पर मिल सके और पूरी मशीनों का हर जगह पर बंदोबस्त, तो हमने फिर ऐसे ही किया और उनको करके और पूरी फैसिलिटी दादरी के अंदर कोई नहीं था और उनको इसलिए तैयार किया। जी बिल्कुल, और दादरी में ये फैसिलिटी दे दी गई है और आज जो ये सेलिब्रेशन हो रहा है, मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार नीचे भी दिखाएं कि किस प्रकार से आज गेट काट करके यहाँ पर ये जो इतनी शानदार जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर आज दिखाई गई है और केक काट करके भाई की जो सेलिब्रेशन है, जो इस जीत का जो सेलिब्रेशन है वो मनाया गया है। तो एक कहीं ना कहीं आप लोगों को, जो आप सब देख रहे हैं, आप लोगों को भी अब ये जो स्टील बॉडी देखने के बाद लग रहा होगा कि हमें भी ये स्टील बॉडी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये जाहिर सी बात है नारा क्रॉसफिट जिम और रणवीर भाई की मेहनत है, और कहीं ना कहीं हम तो ये भी मानेंगे कि आशीष भाई जो गाइडेंस दे रहे हैं उस गाइडेंस के बाद ये गोल्ड मेडल, ये सिल्वर मेडल्स ये आपके भी हो सकते हैं, तो अब आपको भी उसके लिए और आगे मेहनत करनी है। तो भूपेंद्र भाई, आपसे कुछ बातें और जानना चाहेंगे, हरियाणा पुलिस में हो जी। हरियाणा पुलिस से कोई अब तक कोई सहायता मिली है, आपने लेने की कोशिश की? देखिए अभी तो मैंने कोशिश की ही नहीं है, और जो मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे ज़रूरत के हिसाब से मैं अपनी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता रहूँगा, और मेरे ख्याल से मुझे इच्छा है कि हरियाणा पुलिस का जो खेल डिपार्टमेंट है, जो वहाँ पर जो उसकी टीम है, उसमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो। हाँ जी बिल्कुल, पूरी इच्छा है, मैं हरियाणा पुलिस का नाम रोशन करना चाहता हूँ इसके थ्रू, और मैं चाहता हूँ मेरी हरियाणा पुलिस गेम टीम में सिलेक्शन हो जाए, और सब कुछ अपने कोच की तरफ से मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारे पुलिस मैन हैं वो देखते हैं, और आई होप कि हमारे चरखी दादरी के पुलिस अधीक्षक भी इस न्यूज़ को देख रहे होंगे, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे टैलेंट को कहीं जाया ना होने दें, उसको आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ा करके इन बच्चों को, जो ये जो नए खिलाड़ी जो उभर रहे हैं, इनको आगे बढ़ा करके एक इंटरनेशनल स्तर पर लेकर के जाएं, ताकि यही जो है आगे बड़े खेलों में, चाहे ओलंपिक हो, एशियाड हो, चाहे जो भी बड़े गेम हैं, उनमें भी देश का नाम रोशन करें। तो अभी आगे का प्लान क्या है, कौन सा अब आगे का गेम जो है आप तैयार कर रहे हैं? देखिए बॉडी बिल्डिंग के थ्रू अपने मधुबन में हरियाणा पुलिस की टीम होती है तैयार, उसके थ्रू मैं अपने देश से बाहर भी खेलना चाहता हूँ और इंटरनेशनली खेलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मतलब पासपोर्ट पहले से रेडी है भाई, तैयार है, और वर्ल्ड के जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो तैयार हो जाओ, हमारा भी पहलवान पहुँच रहा है। जी जी बिल्कुल जी, तो धूल चटाने के लिए पूरे विश्व को कहीं ना कहीं ये जो खिलाड़ी हैं ये तैयार हो रहे हैं, और ये जो खिलाड़ी हैं ये जाहिर सी बात है आने वाले समय में काफ़ी बड़ा देश का नाम रोशन करेंगे। और उम्र भी अभी अगर मैं भाई की बताऊंगा तो आप बड़े हैरान हो जाओगे, 30 की उम्र है केवल, और 30 की उम्र में ये अचीवमेंट हासिल करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस बॉडी को हासिल करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है, और वो दिन रात एक जो करना पड़ता है उसके बाद ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो अवार्ड्स हैं, ये आपके हो सकते हैं। और जाहिर सी बात, अगर कहीं पर भी अगर आप चाहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, तो दादरी में एक नाम है, और वो हम रणवीर भाई से ही थोड़ा सा और जान लेते हैं किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं, ताकि आपको भी समझ में आए। नारा क्रॉसफिट जिम जो अगर हम यहाँ पर बात करें, चांद कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर है, और भाई आप ही बताओ क्या कुछ फैसिलिटीज़ दे रहे हो, ताकि जो और दूसरे हमारे भी दर्शक जो सोच रहे होंगे शायद कि हमें बॉडी बनानी है या बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लड़ने, वो भी आ पाएँ? हमारे पास यहाँ पे हर फैसिलिटी है, हमारे पास कार्डियो सेशन है, फ्री वेट एक्सरसाइज के लिए
फुल एरिया है, क्रॉसफिट के लिए है, फुल स्ट्रेंथ है, और जो फैसिलिटीज जो हमारे पास अब नहीं है हम उनको भी अब लेके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब तैयारी पूरी है कि कैसे ने कैसे इंटरनेशनल फैसिलिटीज यहाँ पर लानी ही लानी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ तो आप कभी भाई को देख करके ये सोच रहे हो कि केवल लड़कों के लिए, लड़कियों की भी पूरी फैसिलिटी है ना भाई? जी, लड़कियों के लिए भी फुल फैसिलिटी है, लड़कियों के लिए अलग से वर्कआउट के लिए अलग से टाइमिंग है, और साथ में इंक्लूड तो है ये जेंट्स और लेडीज सब है जी, और लेडीज ट्रेनर अनअवेलेबल है जी। तो देख सकते हैं धीरे धीरे जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो रणबीर भाई तैयार करवा रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा सा और आगे आना है और भाई जैसी बॉडी बनानी है, और भाई की तरह से ही हमारे दादरी का, राज्य का और तो और देश का नाम आगे रोशन करना है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओपन वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी बॉडी बिल्डिंग की, और उसमें आपको एक बार दोबारा दिखा दूं कि यहाँ पर जो ट्रॉफियाँ रखी हैं, फर्स्ट ट्रॉफी है और फर्स्ट पोजीशन है, और उसके बाद एक सिल्वर पोजीशन की ट्रॉफी है, और ये जो ट्रॉफियाँ हैं ये जीती हैं यहाँ भूपेंद्र भाई ने। और भूपेंद्र भाई से हम भी एक बार हम भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, और एक छोटा सा केक का पीस शायद हम भी खिला दें भाई को। वैसे तो चॉकलेट भाई को शायद अलाउड नहीं होगी, लेकिन भाई छोटी सी चॉकलेट चलेगी, आज सेलिब्रेशन है। हम भी ये कहेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस और आप लगातार आगे बढ़ते रहो। थैंक यू जी। तो ऐसी ही बॉडी चाहिए तो आप भी पहुंचे और ऐसे ही देश का नाम भी रोशन करें, और जाहिर सी बात है लगातार हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रहें, लगातार इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, कुछ और नई अपडेट्स के साथ आगे आपसे दोबारा फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।